गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज का पार्ट आठ का रिवीजन करेंगे, ठीक है। पार्ट आठ कौन सा? हमारा सर्वनाम, उसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। कॉपी निकालिए और अच्छे से राइटिंग में मुझे करके जल्दी से दिखाइए, ठीक है बेटा। यहाँ डालेंगे CW। देखिए मैंने डेट डाल दिया है, आज 8 तारीख है, 8/12/2020, ठीक है। CW है, डालेंगे रिवीजन। आज चैप्टर होगा हमारा पार्ट आठ, सर्वनाम। सर्वनाम खींचले। देखिए ये पार्ट आठ सर्वनाम, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ लिखूंगी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न एक है हमारा, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ इसका आंसर लिखेंगे। फिर हमारा प्रश्न दूसरा वाला है, दूसरा है सर्वनाम शब्द किसके लिए लिए प्रयोग किए जाते हैं? हाँ, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, इसके एग्जांपल भी देना हमें। दूसरा है सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम करेंगे, ये देखना, ये सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है, वही हम लोग अब करेंगे। तो बेटा मैंने अभी आपको क्या करवाया है, पहले तो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, क्वेश्चन दिया है जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं। मैंने क्या कहा है, सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए, इसका मैंने आंसर लिखा है, आप लोगों ने याद किया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल भी इसका देना है। मैंने उदाहरण आपको लिखाया है, उसका आपको एग्जाम्पल भी देना है। दूसरा था सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर मैंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन लिखाए थे, वो दोनों मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। तो सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है, बताना है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सर्वनाम शब्द ढूंढना, जो 5-6 वर्ड्स हैं उसमें सर्वनाम शब्द ढूंढना है। उस एक्सरसाइज को मैंने करवाया है आपको, वो बुक में भी है, तो उसको अभी हम रिवीजन में करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करें रिवीजन। ये है हमारा नीचे दिए गए शब्दों
में से सर्वनाम सर्वनाम शब्द ढूंढ का ढूंढकर लिखिए। नंबर वन हमारा है पेड़, उन्हें घास और फूल, ये चार वर्ड्स हैं, इनमें एक सर्वनाम है, बाकी संज्ञा है। अगला है मैं, मम्मी, बहन और पापा, ठीक है, इन चारों में से एक सर्वनाम है जो हमें यहाँ पे लिखना है। नंबर थ्री बॉल, देखिए बॉल कैसे लिखेंगे, ये भी बस ये बनाएंगे, इसमें बिंदी नहीं रखेंगे, ठीक है, इसमें बिंदी रखेंगे तो ये अब अंक की मात्रा सॉरी चंद बिंदी बन जाएगा, यहाँ पे बिंदी नहीं रखेंगे, ये कहलाएगा बॉल। उसके बाद है बैट, जूते, यह, इसमें से भी एक वर्ड सर्वनाम है। अगला है घर, बगीचा, तुम्हारा और सड़क, इसमें एक वर्ड हमारा सर्वनाम है। लास्ट वर्ड हमारा रुपया, पैसा, आपका और धन, ठीक है। अब इसमें एक इन सारे वर्ड्स में हर लाइन में एक एक सर्वनाम है जिसे हमें छांट कर यहाँ पर लिखना है, ठीक है बेटा। तो मैं होमवर्क बता रही हूँ आपको बेटा, इसी पाठ को अभी हमें करना है कंटिन्यू, पाठ 8 सर्वनाम के अभ्यास कार्य याद करिए, ठीक है, ये जो अभ्यास नहीं हुए उनको याद करिएगा रिवीजन के लिए। थैंक यू बेटा। तो बेटा देखिए जो मैंने रिवीजन आपको करवाया है ना, इसमें हम लोगों ने क्या वर्ड लिखे हैं, पहला है पेड़, उन्हें घास, फूल, ये जो चार वर्ड्स है उसमें एक सर्वनाम है, बाकी संज्ञा है और ये कुछ और वर्ड्स हैं, लेकिन सर्वनाम सिर्फ एक ही है, और जो वो एक वर्ड सर्वनाम का है उसे सामने जो ब्लैंक बना है उसमें हमें लिखना है। तो पहला क्या था, पेड़, उन्हें, घास, फूल, इन चारों वर्ड में एक सर्वनाम है जिसे हमें सामने लिखना है। सेकंड था मैं, मम्मी, बहन, पापा, अब ये भी चार वर्ड हैं, इनमें सिर्फ एक सर्वनाम है, उसी सर्वनाम को छांट कर हमें सामने जो ब्लैंक बना है उसमें लिखना है। फिर है बॉल, बैट, जूते, यह, ये भी चार वर्ड हैं, इनमें से भी सर्वनाम ढूंढ कर हमें सामने लिखना है। फिर है घर, बगीचा, तुम्हारा, सड़क और लास्ट है रुपया, पैसा, आपका, धन, ये वर्ड्स हैं, इनमें से सिर्फ एक वर्ड सर्वनाम है, बाकी अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको आपको छांट के सर्वनाम ढूंढ के सिर्फ एक वर्ड सामने जो ब्लैंक बने उसमें आपको लिखना है। और साथ ही मैं होमवर्क आपको बता देती हूँ, होमवर्क में हम लोग इसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज छुट्टी हैं उनका रिविज़न लेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।